नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर पॉइंट पे। मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए गवर्नमेंट एग्जाम के लिए लाइव टेस्ट जो है हम यहां पर स्टार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों, क्लास का टाइमिंग जो है हमारा मॉर्निंग के अंदर कल रहेगा 6:30 पर आप लोगों का टाइमिंग रहेगा जीएस का। और दोस्तों, इसके अलावा आपको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस कराई जाएगी जो कि इवनिंग में 7 PM पर क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यहाँ पर तैयारी करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितना हो सके और अपना अच्छे से टेस्ट दीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दें, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दें और लास्ट में हमें कमेंट करिए, अपना स्कोर कमेंट करिए, क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सके। इस वीडियो के लिंक को फेसबुक व्हाट्सएप पे जितना हो सके शेयर करिए ताकि मैक्सिमम बच्चों तक वीडियो जो है पहुंच जाए और वो लोग भी जुड़कर यहाँ पर अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसके नाम से बनाया गया है? कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर करिए, किसके द्वारा बनाया गया था। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन या सैल उद्यान जो है किसने बनवाया था? इसका उपनाम क्या है? सैल उद्यान, ठीक है। तो घबराए नहीं, अच्छे से कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था, कमेंट करिए सभी। तो चलिए देखते हैं किसने बनवाया था। जी फ्रेंड्स, नेकचंद ने, नेकचंद के द्वारा रॉक गार्डन को बनवाया गया था। नेकचंद आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही आंसर कमेंट करिए। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा। भारत रत्न है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, भारत रत्न यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, राइट आंसर। सब भारत का सबसे ऊंचा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। भारतीय सेना में विजयंत नाम किसका है? कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। भारतीय सेना में विजयंत नाम किसका है? जी देखिए किसका नाम है, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। एक टैंक का नाम है दोस्तों, भारतीय सेना विजयंत जो है एक टैंक का नाम रखा गया है, ठीक है। तो एक टैंक आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा फटाफट, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। जी देखिएगा, बिल्कुल लीवर में बनता है दोस्तों, शरीर के लीवर के अंदर जो है यूरिया बनता है, लीवर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, ठीक है। कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, राइट आंसर क्या होगा, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में, जी जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, जॉर्ज वाशिंगटन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल देखिएगा फ्रेंड्स, जयपुर को, जयपुर को जाना जाता है गुलाबी नगरी के नाम से। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ठीक है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसको गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, इसका उपनाम है गुलाबी नगरी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है, सभी कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं सही कौन सा जगह यहाँ पे। देखिए रूस आपका सही हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, ठीक है, तो रूस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, कमेंट करिए।
क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर क्या होगा, सभी कमेंट करेंगे, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो देखते हैं कौन सा है, रेफलेसिया। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, रेफलेसिया आपका सही हो जाएगा, संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफलेसिया, एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है, तो सभी अच्छे से कीजिएगा टेस्ट को, रेफलेसिया आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है, कमेंट करिए फटाफट, देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, मीथेन, बायोगैस का प्रमुख अवयव जो है मीथेन होता है, मीथेन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर मीथेन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है, कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, चलिए देखते हैं कौन थे, गुरु नानक देव। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, गुरु नानक देव आपका सही हो जाएगा, सिख धर्म के संस्थापक जो है गुरु नानक देव को माना जाता है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि भारत के अंदर सबसे अंत में उभरने वाला धर्म कौन सा है। जी फ्रेंड्स, क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सबसे आखिर में सबसे अंत में उभरने वाला धर्म कौन सा था, तो वो धर्म जो है सिख धर्म था, भारत में सबसे अंत में उभरने वाला धर्म, जिसकी स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सभी आंसर देंगे फटाफट राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कंचनजंगा यहाँ पे मिसप्रिंट है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित, कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, सभी आंसर देंगे फटाफट, तो देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सिक्किम, कंचनजंगा जो है सिक्किम में है दोस्तों, सिक्किम आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर सिक्किम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, स्क्रीन पे आ चुका है राइट आंसर, कमेंट करिए फटाफट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, चलिए देखिए कौन थे, ए ओ ह्यूम थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिएगा, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, तो देखिए आप इसी कौन सा जाएगा आपका, चलिए देखते हैं, मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था दोस्तों, नील नदी के किनारे जो है मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था, मिस्र सभ्यता आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो देखते हैं किस में पाया जाता है, सोयाबीन, बिल्कुल फ्रेंड सोयाबीन से हम सबसे अधिक प्रोटीन प्राप्त करते हैं, सोयाबीन आपका सही हो जाएगा, प्रोटीन सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धावने की चाल अधिकतम किस में होती है, राइट आंसर कमेंट करिए, धावने की चाल अधिकतम किस में होती है, सभी का आंसर रहना चाहिए कमेंट बॉक्स में, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक और शेयर करिएगा। तो देखिए, धावने की चाल अधिकतम किस में होती है, चलिए देखते हैं किस में होती है, स्टील में होती है, बिल्कुल स्टील में धावने की चाल अधिकतम होती है दोस्तों, स्टील आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट करिए फटाफट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा, कौन था, बिल्कुल तेंजिंग नोर्गे, तेंजिंग नोर्गे जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था, जो पहली बार सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था, तेंजिंग नोर्गे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है, कमेंट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
देखिए, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है, कमेंट करिए फटाफट। जी बिल्कुल, देखिए देखते हैं क्या है। बिल्कुल, तने की छाल से प्राप्त करते हैं। सिनकोना जो है पौधे की तने की छाल से हम कुनैन प्राप्त करते हैं, तने की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, या कुनैन किस पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है, तो वहाँ पे होगा आपका सिनकोना पौधा। ठीक है, घबराए नहीं, सिनकोना पौधे के तने की छाल से हम कुनैन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं कि भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे, चलिए देखते हैं कौन थे। बिल्कुल, रविंद्रनाथ टैगोर आपका सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। किस देश में सूची स्तंभ पाए गए हैं, पिरामिड किस देश में पाए गए हैं, कमेंट करिए फटाफट। किस देश में सूची स्तंभ या पिरामिड पाए गए हैं, देखिए किस में पाए गए हैं, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा आपका। मिस्र देश में, मिस्र देश में पिरामिड पाए गए हैं दोस्तों। मिस्र आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी का आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट राइट आंसर कमेंट करिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो देखते हैं कब प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल 1942 ईस्वी में, जी 1942 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो 1942 आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं, कमेंट करिए फटाफट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं, जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 16 आपका सही हो जाएगा। बृहस्पति के 16 चंद्रमा है, ठीक है, 16 आपका सही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिए परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा फटाफट। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए देखिए, बिल्कुल पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के द्वारा कार्य करती है दोस्तों। परमाणु घड़ी जो होती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए फटाफट। एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है, सही आंसर क्या होगा सभी बताएंगे फटाफट राइट आंसर कमेंट करिए। एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है, तो देखते हैं राइट आंसर क्या होगा, 15 डिग्री, 15 डिग्री जो है एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूमती है। ठीक है, तो 15 डिग्री आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 25 क्या है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर कमेंट करिए सभी। देखिए कौन सा राज्य है भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, कौन सा राज्य है भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, तो देखते हैं, चलिए देखिए मध्य प्रदेश नहीं है दोस्तों। मध्य प्रदेश जो है भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है, तो मध्य प्रदेश आपका सही हो जाएगा, एमपी यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं राइट आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, कमेंट करिए फटाफट। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, क्या नाम है कमेंट करिए फटाफट, तो देखते हैं क्या नाम है, चलिए देखिए अक्षोभ मंडल दोस्तों, क्षोभ मंडल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। ए मेरे देश वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है, तो देखते हैं किसने लिखा है, कमेंट करिए राइट आंसर। बिल्कुल प्रदीप आपका सही हो जाएगा राइट आंसर। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत जो है प्रदीप जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखिएगा महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में,
वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, चलिए देखिए वाई बी चौहान जो हैं भारत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। वाई बी चौहान आपका सही हो जाएगा पे राइट आंसर वाई बी चौहान। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्रसिद्ध शिलोत्कर्णी कैलाश मंदिर कहाँ स्थित, बताइएगा फटाफट राइट आंसर क्या होगा। पत्थर काटकर बनाया गया है शिलोत्कर्णी मंदिर जो है, कैलाश मंदिर पत्थरों को काटकर बनाया गया है, तो बताइएगा कहाँ पर है। सभी के आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट, तो देखते हैं कहाँ पर है। चलिए देखिए एलोरा में है दोस्तों, एलोरा में है प्रसिद्ध शिलोत्कर्णी कैलाश मंदिर आपका जो है एलोरा केंद्र है, जिसको पत्थरों को काटकर बनाया गया मंदिर है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है या किस राज्य का उपनाम है, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो चलिए देखते हैं तमिलनाडु। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है, मंदिरों की भूमि का इन तमिलनाडु का जो है उपनाम भी है, तो तमिलनाडु आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखिए NEFT का पूरा नाम क्या है, राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 NEFT नेफ्ट का पूरा नाम क्या है, कमेंट करिए फटाफट फुल फॉर्म ऑफ NEFT, तो देखते हैं क्या फुल फॉर्म है। चलिए देखिए बिल्कुल नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फोदन्स ट्रेन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फोदन्स ट्रेन NEFT की फुल फॉर्म है दोस्तों, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फोदन्स ट्रेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, देखिए गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, राइट आंसर कमेंट करिए फटाफट, तो चलिए देखते हैं किसने की थी। बिल्कुल न्यूटन के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी, न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, राइट आंसर कमेंट करिए। लेज का नियम किससे संबंधित है, सभी आंसर देंगे फटाफट, लेज का नियम किससे संबंधित है, तो चलिए देखते हैं लेज का नियम किससे संबंधित है। बिल्कुल ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है दोस्तों, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, राइट आंसर कमेंट करिए सभी। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है, तो देखते हैं कौन सा है। बिल्कुल देखिएगा इलाहाबाद बैंक है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है इलाहाबाद बैंक आपका सही हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक जिन्होंने लिखा है सभी का सही आ रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, चलिए देखते हैं। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक करते रहिए, सभी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी जुड़कर अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। तो देखिए भारतीय मानक समय किस पर आधारित है, कमेंट करिए फटाफट, तो देखिए सही कौन सा हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं, बिल्कुल 80° 30 सेकंड पूर्व देशांतर पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, चलिए देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो देखते हैं कौन थे। चलिए देखिए सी राजगोपालाचारी थे दोस्तों, सी राजगोपालाचारी आपका सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राज गोपालाचारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, देखिए राइट आंसर कमेंट करिए फटाफट स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, इसका सही आंसर क्या होगा। खरीफ के मौसम का समय क्या होता है, खरीफ की फसल जो होती है उसका सही समय क्या होता है, कमेंट करिए फटाफट, तो चलिए देखते हैं। जून से सितंबर का जो महीना होता है, जून से लेकर सितंबर तक खरीफ की फसल होती है, खरीफ का मौसम बोला जाता है उसको, जून से सितंबर के महीने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है, कमेंट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है। जी बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, चलिए देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है, नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं
तो देखिए बोध गया जो है बोध धर्म से संबंधित है, बोध धर्म आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, राइट आंसर कमेंट करिए फटाफट। तो देखिए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, सभी कमेंट करिए फटाफट, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट करिए। तो देखिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब, चलिए देखिए 5 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, राइट आंसर कमेंट करिए फटाफट। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और दोस्तों बाबर से रिलेटेड हमने ट्रिक बनाई हुई है, आपने अगर वो ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको कंप्लीट करिए, 2 वीडियो हमने आप लोगों के लिए ट्रिक की डाली हुई है, आगे भी आपको ट्रिक से वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, चलिए देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए कहाँ पर है, बिल्कुल वाशिंगटन में है दोस्तों, वाशिंगटन आपका सही हो जाएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, ठीक है, तो वाशिंगटन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है, सैल स्मारक को, कन्याकुमारी में सैल स्मारक है या रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद की स्मृति में बनाया गया है दोस्तों, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल जो है सैल स्मारक इसका उपनाम है, वो जो है स्वामी विवेकानंद की स्मृति में उसको समर्पित किया गया है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 43, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है, देखिए कौन सा है, चलिए देखिए जिराफ है दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा पशु है जिराफ, ठीक है, तो जिराफ आपका सही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो देखिए चलिए देखते हैं किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से है दोस्तों, नीली क्रांति मत्स्य यानी मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो क्या होगा, कमेंट करिए फटाफट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, चलिए देखते हैं, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा दोस्तों, अगर कमरे में जो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है उसका हम दरवाज़ा खोल देंगे तो दोस्तों कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो देखिए कमरे का तापमान बढ़ जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, देखिए राइट आंसर कमेंट करिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है, जी तो देखिए कौन सी गैस है, चलिए देखते हैं, एसिटिलीन गैस है दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए हम एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, देखिए राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट करिए, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, तारों व सूर्य की ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, तो देखते हैं क्या आंसर होगा यहाँ पे, नाभिकीय संलयन, जी बिल्कुल, तारों व सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, राइट आंसर कमेंट करिए सभी, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, फटाफट कमेंट करिए राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, तो देखिए आपका सही हो जाएगा पे, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में, स्टार्च एवं शर्करा होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च एवं शर्करा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, कमेंट करिए फटाफट शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, चलिए देखिए 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हुई थी दोस्तों, 12 अप्रैल 1680 आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 12 अप्रैल 1680 में
शिवाजी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, राइट आंसर कमेंट करिए फटाफट। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखिए आप इसे कौन सा जाएगा, बिल्कुल देखिए 1914 से 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, 1914 से 1918 तक, ठीक है। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918, आपका सही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, राइट आंसर कमेंट करिए फटाफट। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जी रेलवे के एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जी बिल्कुल देखिए कहाँ पर है, मालीगांव है दोस्तों, मालीगांव आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है मालीगांव में। जितने भी मुख्यालय रेलवे के दोस्तों, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो जितने भी रेलवे के मुख्यालय हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्यों, क्योंकि उनसे एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो जितने भी रेलवे के मुख्यालय उनको याद कीजिए, और यहाँ पे पूछा गया था आपसे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय, तो वो जो है मालीगांव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, कमेंट करिए राइट आंसर। जी ए ए आर की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करिए राइट आंसर। जी ए ए आर की फुल फॉर्म क्या है, सभी कमेंट करेंगे। देखिए क्या फुल फॉर्म है, चलिए देखिए, देखिए जी ए आर की फुल फॉर्म है दोस्तों जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। जी बिल्कुल, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स आपका सही हो जाएगा राइट आंसर। जी ए ए आर की फुल फॉर्म है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, देखिएगा। भारतीय रेल की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, कमेंट करिए फटाफट। एएलपी में जो आरआरबी का एएलपी का एग्जाम हुआ था पीछे, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, एएलपी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, कमेंट करिए फटाफट। भारतीय रेलवे की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। देखिए कहाँ पर है, चलिए देखिए वाराणसी में है दोस्तों, वाराणसी आपका सही हो जाएगा। भारतीय रेल की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वाराणसी में, वाराणसी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, देखिए 54 कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, कमेंट करिए फटाफट। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए। जी तो देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, देखिए अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है, सभी आंसर देंगे राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे से कौन सा हो जाएगा आपका, चलिए देखिए आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, अमरावती बौद्ध स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, राइट आंसर कमेंट करिए, सभी आंसर देंगे। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की थी दोस्तों, रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है, इल्तुतमिश आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, देखिए कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, चलिए देखते हैं कब गिराया गया था, सन 1945 में, 1945 में जापान पर पहला बम परमाणु बम गिराया गया था, 1945 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 क्या रहता है, देखिए देखिए क्या क्वेश्चन है। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते, देखिए कौन सा है, जी बिल्कुल देखिए फ्रांस एक ऐसा देश है दोस्तों जहां पर एक भी मच्छर नहीं, फ्रांस आपका सही होएगा यहां पे फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस देश में एक भी मच्छर नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे देखिए, चलिए देखते हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे दोस्तों, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपका सही हो जाएगा राइट आंसर। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सभी का एक एक वीडियो पर लाइक आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है कमेंट करिए फटाफट, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है कमेंट करिए, तो देखते हैं किसके लिए है। बिल्कुल ताले बनाने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों अलीगढ़, ताले बनाने के लिए अलीगढ़ जो है प्रसिद्ध है, विख्यात है, मशहूर है, ठीक है, ताले बनाने के लिए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या तत्व, चलिए देखिए ऑक्सीजन, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है देखिएगा, साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आंसर देंगे, साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो देखिए कौन सी गैस होती है, चलिए देखिए नियोन गैस भरी जाती है फ्रेंड्स, नियोन गैस भरी जाती है साधारणतः उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में, नियोन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 क्या देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देखिए कहाँ पर है, लखनऊ में है दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ शहर में है, लखनऊ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, चलिए देखिए पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है कमेंट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो देखिए कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य है देश का पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है कमेंट करिए फटाफट, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था कमेंट करिए फटाफट, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो देखिए किसने दिया था, चलिए देखिए जनरल ओ डायर ने, जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, इसके अंदर काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो जनरल ओ डायर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो देखिए कौन सा है, चलिए प्रशांत महासागर है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है देखिए, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है कमेंट करिए फटाफट, तो देखिए कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है बिहार में, बिहार राज्य में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, बिहार आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है कमेंट करिए फटाफट, तो चलिए देखिए कितनी है, 2400 किलोमीटर दोस्तों, 2400 किलोमीटर चीन की लंबाई है, संसार की सबसे ऊंची दीवार है दोस्तों जिसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर में इसकी लंबाई है हमारी, ठीक है, तो 2400 किलोमीटर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है देखिए, धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था कमेंट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था, तो देखिए क्या नाम था, चलिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए धृतराष्ट्र के सारथी का नाम था संजय, संजय आपका सही हो जाएगा राइट आंसर, संजय जिन्होंने चूज किया है बिल्कुल सही आ रहा है फ्रेंड्स, वेरी नाइस, कीप इट अप, धृतराष्ट्र के सारथी का नाम था संजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कमेंट करिए फटाफट,
जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो देखिए किसमें है, चलिए देखिए अमृतसर शहर में है दोस्तों, जलियांवाला बाग है अमृतसर में। यहाँ पर जो है स्वर्ण मंदिर भी इसके नज़दीक है जी, स्वर्ण मंदिर भी इसके नज़दीक है, अमृतसर शहर में ही है स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग भी अमृतसर में शहर में ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध देखिए किस किस के बीच हुआ था, देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध किया गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, राइट आंसर कमेंट करिए। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा सभी बताएंगे फटाफट। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? देखिए किसको जाना जाता है, जी बिल्कुल अनिल कुंबले को जाना जाता है, जंबो के उपनाम से अनिल कुंबले को पुकारा जाता है, अनिल कुंबले आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए सभी का आंसर आना चाहिए। वायु का दबाव किसके कारण होता है? कमेंट करिए राइट आंसर, वायु का दबाव किसके कारण होता है? चलिए देखते हैं किसके कारण होता है, घनत्व की वजह से होता है दोस्तों, वायु का दबाव घनत्व की वजह से होता है, घनत्व आपका सही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, राइट आंसर कमेंट करिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? सभी आंसर देंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था, आंसर दीजिए फटाफट। तो चलिए देखते हैं क्या नाम था, मूल शंकर, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम असली नाम क्या था, मूल शंकर था, मूल शंकर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, देखिएगा भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, सभी का आंसर रहना चाहिए। तो देखिए आप इससे कौन सा जाएगा, चलिए देखिए केरल राज्य है दोस्तों, भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य है केरल, केरल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण कराया था? ऐसा कौन सा शासक था जिसने ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण कराया था? कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण कराया गया था, शेरशाह सूरी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? ऐसा राज्य कौन सा है जो भारत का सबसे अधिक शिक्षित है? कमेंट करिए। तो देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा आपका केरल, केरल एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति है, यहाँ पर केरल आपका सही हो जाएगा राइट आंसर आपका केरल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? कमेंट करिए फटाफट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? जी बिल्कुल, देखिए किसका बढ़ा था, गेहूं का, गेहूं का बढ़ा था दोस्तों, हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक उत्पादन हुआ था गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, देखिए संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 79 सही आंसर सभी कमेंट करेंगे राइट आंसर, कमेंट करिए फटाफट, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो चलिए देखिए कौन सा है, बिल्कुल ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो है संसार का सबसे बड़ा टापू है दोस्तों, ग्रीनलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, कमेंट करिए फटाफट। चलिए देखते हैं, बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा यह नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और इसके आगे एक अक्षर और जोड़ दिया गया था अब बाद में, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान,
परमाणु परीक्षण जो हुआ था हमारा, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके बाद में जोड़ दिया था इसका नारा, कंप्लीट किया था इसको, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। ठीक है, तो जय विज्ञान का नारा जो है काफ़ी बार पूछा गया है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था, जो कि बीजेपी के थे। ठीक है, तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए आपसे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो वहाँ पर आएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, फटाफट कमेंट करिए राइट आंसर। तो चलिए देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, चलिए देखिए नई दिल्ली में दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान है नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली आपका सही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। बोधगया किस धर्म से संबंधित है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बेल दिखाई देगी उस पर भी क्लिक करते रहिए सभी, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहे। तो देखिए फ्रेंड्स बोधगया जो है किस धर्म से संबंधित है, क्वेश्चन आ भी चुका है, तो देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है, बोधगया जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, देखिए चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, फटाफट कमेंट करिए चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या रही है, कमेंट करिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता, ग्रामीण स्वायत्तता चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, कमेंट करिए फटाफट। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है, तेल रिफाइनरी कारखाना किस स्थान पर है, कमेंट करिए फटाफट। तो चलिए देखिए कहाँ पर है, बरौनी में दोस्तों, ठीक है बरौनी आपका सही हो जाएगा, तेल रिफाइनरी कारखाना है बरौनी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, फटाफट कमेंट करिए महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, क्या नाम था, जी बिल्कुल कस्तूरबा गांधी, जिनकी मृत्यु जो है जेल में हुई थी। तो क्या कोई कमेंट कर सकता है कि इनकी मृत्यु जेल में कब हुई थी कस्तूरबा गांधी की, कमेंट करिए फटाफट, कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु जेल में कब हुई थी, सभी का आप सभी का आंसर है देना चाहिए आपने, कमेंट करिएगा फटाफट। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 86 कमेंट करिए, जनरल किस सेना का एक अधिकारी होता है, किस सेना का एक अधिकारी पद है जनरल, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सही कौन सा जाएगा, थल सेना का है दोस्तों, जनरल पद जो है थल सेना का एक पद होता है, उच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है जनरल, ठीक है। और तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष है मेन माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है सर्वोच्च अधिकारी, और भारत का पहला नागरिक भी राष्ट्रपति को ही माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, कमेंट करिए फटाफट। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए फटाफट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो चलिए देखिए कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, एसटीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, सभी ने यूज़ की होगी काफ़ी टाइम से, यूज में अब तो बंद है लेकिन पहले इसका यूज़ किया था मोबाइल की यूज से पहले, तो कमेंट करिए फटाफट एसटीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो क्या होती है, चलिए देखिए एसटीडी की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग आपका सही हो जाएगा राइट आंसर, फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी होती है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, कमेंट करिए फटाफट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है, गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका किसने निभाई है, कमेंट करिए फटाफट। तो देखिए किसने, बिल्कुल देखिएगा बेन किंग्सले ने, बेन किंग्सले के द्वारा गांधी जी की भूमिका निभाई गई है गांधी फिल्म में, बेन किंग्सले आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक वार एंड पीस लेखक कौन है, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है, कमेंट करिए जी। बिल्कुल देखिए कौन है, चलिए देखिए, लियो टॉल्स्टॉय, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय, आपका सही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, देखिए रेल पथ में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। रेलवे की तैयारी करने वालों के लिए अच्छा क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है, तो चलिए देखिए कितनी होती है, बिल्कुल 1 मीटर होती है, रेल पथ का जो मीटर गेज होता है उसकी चौड़ाई 1 मीटर होती है, 1 मीटर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। देखिए यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या रह जाएगी, क्वेश्चन नंबर 92 राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए फटाफट, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या रह जाएगी, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका 1/4 रह जाएगी दोस्तों, यदि वस्तु की चाल हाफ कर दी जाए आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा उसकी 1/4 रह जाएगी, ठीक है, पहली जो गतिज ऊर्जा होगी उसकी 1/4 रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, कमेंट करिए फटाफट, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, कमेंट करिए, तो चलिए देखिए ध्वनि का वेग अधिकतम होता है ठोस में, ठोस के अंदर जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, तरल गैस सबसे अधिक होता है ठोस में, ठीक है, इन सभी में से ठोस में सबसे अधिक वेग होता है ध्वनि का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, कमेंट करिए फटाफट, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है, सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, एक नंबर देने वाला क्वेश्चन है, कमेंट करिए फटाफट, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है, तो चलिए देखिए किससे है, बॉक्सिंग से संबंधित है दोस्तों, बॉक्सिंग खेल से संबंधित है मैरी कॉम जी, बॉक्सिंग से है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 क्या, कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है, देखिए कमेंट करिए फटाफट, तो चलिए देखिए किस नाम से है, बहिर्मंडल से नाम से, बहिर्मंडल के नाम से विदित है दोस्तों, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर जो वायुमंडलीय परत है उसको बहिर्मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए, तो देखिए मानसून हवाएं कौन सी होती हैं, कमेंट करिए फटाफट, चलिए देखते हैं मानसून हवाएं कौन सी होती हैं, वर्षा ऋतु की हवाएं होती है दोस्तों, मानसून हवाएं होती हैं वर्षा ऋतु की हवाएं, कन्फ्यूज ना हो, वर्षा की ऋतु आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, कमेंट करिए फटाफट, माओ तसे तुंग किस से संबंधित है, माओ तसे तुंग किस से संबंधित है, कमेंट करिए फटाफट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माओ तसे तुंग किस से संबंधित है, चलिए देखिए किस से है, चीन से, चीन से संबंधित है माओ तसे तुंग, चीन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, पहला व्यक्ति कौन था, कमेंट करिए, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला, चलिए देखिए कौन सा था, वास्को डी गामा जी, बिल्कुल फ्रेंड्स वास्को डी गामा आपका सही हो जाएगा, पहला व्यक्ति था और पुर्तगाली था दोस्तों, ये वास्को डी गामा जी जो हैं पुर्तगाली थे और भारत पहुंचने वाले समुद्री मार्ग से पहले व्यक्ति हैं जो समुद्री रास्ते से भारत में आए थे, वास्को डी गामा। और काफ़ी बार एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में तंबाकू की खेती सबसे पहले किसने की थी, तो दोस्तों तंबाकू की खेती भी सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी, तंबाकू की खेती सबसे पहले पुर्तगालियों ने की थी और भारत के रास्ते सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत में वास्को डी गामा जी आए थे जो कि एक पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, कमेंट करिए, तो चलिए देखिए कौन सा है, बुध आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, बुध आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, चलिए देखिए, विख्यात पर्यटन स्थल गुलबर्ग
भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा आपका। कश्मीर में, कश्मीर में है दोस्तों गुलमर्ग, कश्मीर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग है कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 नंबर क्वेश्चन क्या है, कमेंट करिए फटाफट। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? चलिए देखिए, बिल्कुल फ्रेंड्स, पंजाब नेशनल बैंक, PNB, पंजाब नेशनल बैंक लाला लाजपत राय के द्वारा गठित किया गया बैंक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, देखिए, जैन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। जैन शब्द का प्रयोग देखिए किसने किया था, चलिए बिल्कुल जोहानसन के द्वारा किया गया था दोस्तों, जैन शब्द का प्रयोग सबसे पहले, जोहानसन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 क्या है, देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या राजधानी है लक्षद्वीप की, कवरत्ती, कवरत्ती है दोस्तों, ऑप्शन तो है नहीं इनमें, तो कवरत्ती आपका सही हो जाएगा, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमेंट करिए फटाफट, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो देखिए कहाँ पर है, चलिए देखिए, बड़ा इमाम बाड़ा है दोस्तों लखनऊ में, लखनऊ शहर के अंदर है बड़ा इमाम बाड़ा, लखनऊ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक करिए। तो देखिए, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो देखिए कौन सी है, चलिए देखिए, जी फ्रेंड्स, भारत में सबसे लंबी सड़क है GT रोड, GT रोड आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो चलिए देखिए कहाँ पर है, लोथल में है दोस्तों, लोथल आपका सही हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है लोथल में, लोथल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो चलिए देखिए किसके समीप है, महाबलेश्वर के, महाबलेश्वर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108 क्या देखिएगा, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा, कितने होते हैं, चलिए देखिए जी फ्रेंड्स, 11 होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी खेल में प्रत्येक टीम के अंदर, 11 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? कौन सा ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश के अलावा जो 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? देखिए कौन सा है, बिल्कुल फ्रेंड्स, असम राज्य, असम आपका सही हो जाएगा, ठीक है, असम आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, कमेंट करिए फटाफट। देखिए सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा, वीणा आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? सबसे मजबूत मांसपेशी शरीर के अंदर कहाँ पर होती है? चलिए देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल जबड़ों में होती है, सबसे अधिक मजबूत मांसपेशी जबड़ों में होती है, जबड़ों में मांसपेशी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? कौन सा हिस्सा होता है फूल गोभी का खाने योग्य? तो चलिए देखिए, पुष्पकर्म खाया जाता है दोस्तों, पुष्पकर्म आपका सही हो जाएगा, फूल गोभी का खाने योग्य हिस्सा होता है पुष्पकर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए फटाफट, UTI बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पहले इसका नाम था UTI बैंक, अब इसको किस नाम से जाना जाता है, चलिए देखिए किस नाम से, बिल्कुल एक्सिस बैंक के नाम से जाना था दोस्तों, UTI बैंक को अब एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, सभी शेयर कर दीजिए फटाफट,
देखिए कौन सा पेड़ है, चलिए देखिए, केले का पेड़ दोस्तों। केले का पेड़ ऐसा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पत्ते होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य से उत्सर्जित प्राबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है, सूर्य से उत्सर्जित प्राबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है, देखिए तो चलिए देखिए कौन सी, ओजोन गैस रोकती है दोस्तों। सूर्य से उत्सर्जित प्राबैंगनी किरणों को ओजोन गैस रोकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्याकुमारी में रोक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है, सेल्स मार्क। क्वेश्चन रिपीटेड है, देखिए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद की स्मृति को समर्पित किया गया है सेल्स मार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है, कमेंट करिए फटाफट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है, तो चलिए देखिए कहाँ पर है खजुराहो के मंदिर, है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, खजुराहो के मंदिर है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था, कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था, क्या नाम था, चलिए देखिए, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त यहाँ पे सही हो जाएगा आपका राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे, कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे, कमेंट करिए फटाफट, तो चलिए देखिए कौन से थे, बिल्कुल फ्रेंड्स हुमायूं, हुमायूं आपका सही हो जाएगा, हुमायूं एक ऐसा शासक था मुगल बादशाह जिसने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, खरीफ की फसल कब काटी जाती, कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है, तो देखिए कब, नवंबर के प्रारंभ में, नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल को काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी, कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा, तो चलिए देखिए किसके शिखर, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी दोस्तों, बालाजी बाजीराव आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी, कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा, तो चलिए देखिए कौन सा शहर है, भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, भोपाल शहर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो चलिए देखिए किसने की थी, महात्मा फूले ने, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा जी, महात्मा फूले जी द्वारा की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना, महात्मा फूले आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो चलिए देखिए किसका किया था, तांबा का, तांबा का मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था दोस्तों। अगर पूछ लिया जाए जो वस्तु कौन सी थी, तो वो कुल्हाड़ी जो प्रयोग की गई थी, कुल्हाड़ी का भी प्रयोग किया था सबसे पहले मानव ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, कमेंट करिए फटाफट, तो देखिए कौन सी है, मुख्यतः मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, खाना बनाने के लिए मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है, मीथेन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के 1 अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी, कमेंट करिए फटाफट, तो देखिए कितनी है, 6100 किलोमीटर दोस्तों, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर, आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। फटाफट सभी साथी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए, सभी जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट करिए फटाफट, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, कमेंट करिए फटाफट, तो कौन सा है, देखिए पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है दोस्तों भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 128 क्या है, देखिए डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है,
किस किस से संबंध कमेंट करिए फटाफट। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है, देखिए किससे है, फुटबॉल खेल से संबंधित है दोस्तों, डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है, फुटबॉल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कमेंट करिए फटाफट। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए किसने दिया था, डार्विन ने, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, डार्विन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होगी, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होगी, कमेंट करिए फटाफट। तो क्या होगी देखिए, कम हो जाएगी दोस्तों, अगर वायुमंडल नहीं होगा तो दिन की अवधि तो अपने आप ही कम हो जाएगी, ठीक है, तो कम हो जाएगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, कमेंट करिए फटाफट बांग्लादेश की मुद्रा क्या है जी। तो देखते हैं बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका, टका आपका सही हो जाएगा, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, चलिए देखिए कौन थे, ए ओ हयूम, ए ओ हयूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था, चौथ नामक कर कौन लेता था, देखिए चलिए देखिए मराठों द्वारा लिया जाता था दोस्तों, चौथ नामक कर मराठा शासक थे वही ये कर लेते थे, तो चौथ नामक कर मराठों के द्वारा लिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, कमेंट करिए फटाफट, किस मुगल शासक ने किया था, देखिए बिल्कुल अकबर के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म जो है अकबर मुगल राजा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा किसका पद होता है, जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा क्वेश्चन है, तो कमेंट करिए फटाफट, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा किसका पद होता है, तो किसका होता है, देखिए पायलट ऑफिसर का होता है दोस्तों, सबसे छोटा कमीशन्ड अधिकारी का पद होता है पायलट ऑफिसर। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, कमेंट करिए फटाफट राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो देखिए किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पुकारा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो देखिए किसके नेतृत्व में हुई थी, चलिए देखिए जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में, जॉर्ज वाशिंगटन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, चलिए देखिए कानपुर में है दोस्तों, कानपुर आपका सही हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कमेंट करिए फटाफट, क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है, CRISIL, क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करिए फटाफट, तो देखिए क्या है, चलिए देखिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है दोस्तों, क्रिसिल की फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, चलिए देखिए कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी। तो देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर, देखिएगा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश आपका सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते हैं, चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते हैं, कमेंट करिए फटाफट, चलिए देखिए चाचा जी के नाम से दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, सहजीविता का उदाहरण क्या है, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, सहजीविता का उदाहरण क्या है, तो चलिए देखिए क्या उदाहरण है, लाइकेन, लाइकेन आपका सही हो जाएगा, लाइकेन जो है कवक और शैवाल के बनने से बनता है दोस्तों, कवक और शैवाल के
मिलने से लाइकेन बनता है, वो जो कि सहजीविता का उदाहरण है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है लाइकेन किन के मिलने से बनता है, तो कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए फटाफट, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल, देखिए जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। दोस्तों जापान आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? कमेंट करिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? चलिए देखिए, जी बिल्कुल 2 और 6 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चलिए देखिए क्या विशेषता थी चोल प्रशासन की, ग्रामीण स्वायत्तता थी। दोस्तों ग्रामीण स्वायत्तता चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट आंसर दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर। किस भारतीय नेता को भारत का लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय नेता को भारत का लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है? चलिए देखिए किसको जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लोह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा की स्थापना किसने की थी? कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो चलिए देखिए किसने की थी, सिकंदर लोधी ने की थी। दोस्तों आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट देखिए, जीवाश्म पेड़ व पेड़ों पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है, कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है पेड़ पौधों की और जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में? तो चलिए देखिए, कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु का पता करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, अब उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो चलिए देखिए कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। दोस्तों उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री जब आकाश को देखते हैं तो उनको रंग जो है काला दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, मेहनत अच्छी लगी हो तो फटाफट सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी जुड़कर यहाँ पर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए सब्सक्राइब करने के बाद में। डेली आपको ऐसी ऐसी वीडियो बहुत सारी मिलेंगी यहाँ पर और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।